हेलो इवन वेलकम टू द वीडियो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे घर पे फ्राइड चिकन बर्गर बनाया जो कि टोटली हेल्दी है इसमें से 400 कैलोरीज है और 35 फाइव ग्राम्स प्रोटीन है मुझे बहुत टाइम से के का जिंगर बर्गर खाने की इच्छा हो रही थी बट मुझे थोड़ा हेल्दी खाना खाना था इसलिए मैंने घर पर ये बनाया ये फ्राइड चिकन बर्गर बनाने के टोटल पाँच स्टेप्स है जिनमें से सबसे पहला स्टेप है मैरिनेशन सबसे पहले मैंने एक चिकन के ब्रेस्ट को आधा काट लिया और उसके ऊपर मैंने सॉल्ट गार्लिक पाउडर ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर डाल दिया और चिकन को पलट के मैंने दोनों साइड को पूरे मसाले में कवर कर लिया चिकन मैरिनेट होने का सेकेंड स्टेप है उसकी वेट और ड्राई कोटिंग बनाना सबसे पहले मैंने ड्राई कोटिंग बना ली जिसमें थोड़ा कॉन्फ्लेक्ट ज़्यादा गिर गया तो मैंने निकाल के रखा और उसमें सारे वही मसाले डाल के जिससे चिकन मैरिनेट किया था मैंने उन्हें अच्छे से क्रश कर लिया उसके बाद मैंने मैंने इसकी वेट कोटिंग जिसमें सबसे पहले मैंने एक अंडा एक प्लेट में फोड़ के डाल दिया और उसमें मैंने डाला शिराचा सॉस आप कोई और भी हॉट सॉस यूज़ कर सकते हो बट वो ऑप्शनल है क्योंकि मैंने ये सिर्फ स्पाइसी बनाने के लिए किया उसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने मैरिनेट किए हुए चिकन को सबसे पहले अंडे के मिक्सचर में डाला और उसके बाद मैंने उसे कॉर्नफ्लेक्स में अच्छे से कोट कर लिया सिंस मेरे पास ऑयल स्प्रे करने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल चिकन पे ऊपर से ही डाल दिया और दोनों साइड पर अच्छे से कोट कर दिया उसके बाद मैंने उसे ओवन में डाल दिया फोर्थ स्टेप में मैंने मेरे बर्गर के लिए सॉस बनाया जिसमें मैंने लाइट में और मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर और लेमन जूस डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लिया फिफ्थ से था बर्गर को असेंबल करना जिसके लिए सबसे पहले मैंने बर्गर के बंस को थोड़ा टोस्ट कर लिया क्योंकि मुझे मेरे बंस थोड़े टोस्टेड पसंद हैं उसके बाद मैंने जो सॉस बनाया था वो मैंने दोनों बर्गर के साइड पर अच्छे से लगा दिया मुझे मेरे चिकन बर्गर में ज़्यादा वेजीज नहीं पसंद इसलिए मैंने सिर्फ उसके ऊपर एक लेट्यूस का पत्ता रखा और इसके अलावा मैंने एक चीज़ का स्लाइस लिया और ओवन में जो लगभग गर्म हो चुका है चिकन उस पर रख दिया चिकन उसके ऊपर रखने के बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा और सिराचा सॉस डाल दिया क्योंकि मुझे मेरा बर्गर स्पाइसी पसंद है ये पार्ट भी ऑप्शनल है फाइनली बर्गर का बन मैंने उसके ऊपर रख दिया और बर्गर पूरा बन गया था वो काफ़ी जूसी और काफ़ी टेस्टी बना था अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कौन सी रेसिपी नेक्स्ट बनाऊँ